सुप्रभात। कक्षा 11 में विषय रह ज्ञान में हम आज पढ़ेंगे टॉपिक पोषण और स्वास्थ्य। इसमें हम कुछ मुख्य तथ्यों पर आगे पढ़ेंगे और आज समझेंगे कि पोषण और स्वास्थ्य क्या है, यह किस लिए आवश्यक है। क्या आवश्यकता होती है? वैसे ही हमें मानव शरीर चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और उसी से हमारा शरीर पे चलता है, क्रियाशील होता है। जैसे कि जैसे बताया कि विभिन्न अंग सदैव क्रियाशील होते हैं, शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जैविक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी जीने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चाहे हम सोते रहे या आराम करते रहे, चाहे बैठे रहे चाहे चलते रहे, तो भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर भोजन के रस द्वारा पूर्ण शक्ति प्राप्त करता है और इसलिए भोजन की हमें आवश्यकता होती है। भोजन के कारण शरीर के कोशिकाओं और तंतुओं का पुनर्निर्माण करते हैं। भोजन हमारे शरीर के तापमान को एक साथ बनाए रखता है। भोजन शरीर में रोग प्रतिरोधक निरोधक शक्ति को उत्पन्न करता है। भोजन शरीर की अभिवृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों को प्रदान करता है और भोजन से ही हमारे शरीर में जैविक ऊर्जा एटीपी का उत्पादन होता है। शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ रखने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा ही उद्देश्यों की पूर्ति हो और भोजन मनुष्य की शारीरिक मांग के अनुसार होने चाहिए। संतुलित आहार, संतुलित भोजन वही होता है जिसमें भोजन के सारे तत्व यानी विटामिन्स हो, मिनरल्स हो। भूख को शांत करने के लिए भोजन जो किया जाएगा संतुलित आहार भोजन नहीं कहलाता। कैसे? जब तक उसमें विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन सही मात्राएं सारी उपस्थित ना हो तभी वह संतुलित आहार बनता है। भोजन शरीर में हमारे पोषणता और शक्ति का निर्माण करता है, टूटे फूटे अंगों का निर्माण करता है, शरीर का समुचित विकास करता है, शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है, इसलिए हमें भोजन आवश्यक है। भारतवर्ष में हमने देखा कि जनता की मांग के अनुसार भोजन नहीं मिलता है। भारत एक विकासशील देश है, इसलिए मनुष्य को अपने शरीर की मांग के अनुसार भोजन मिलना चाहिए। भोजन की मांग प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार भिन्न भिन्न होना चाहिए और पर्याप्त खर्चे पर संतुलित आहार प्राप्त है। कुछ लोग अज्ञानतावश नहीं प्राप्त कर सकते हैं। पर्याप्त आहार और संतुलित आहार में अंतर जैसे व्यक्ति की भूख शांत करता है और उसे पर्याप्त आहार कहते हैं, है ना। भूख शांत करने वाले आहार को पर्याप्त आहार कहते हैं, किंतु संतुलित भोजन नहीं हो सकता। जो भोजन मनुष्य को पर्याप्त शक्ति प्रदान करता हो, अंगों को क्रियाशील बनाता हो, थकान नष्ट करता हो, व्यक्ति को संतुलित भोजन प्राप्त करने के लिए आहार का आयोजन करना चाहिए। यानी सारी मात्राएं एक सी देखी जाए कि प्रोटीन बराबर है, आयरन है, विटामिन्स है, मिनरल्स जो भी है, हमारे शरीर में आयोडीन की कमी है जो भी है, इन सबका आयोजन करके ही हम संतुलित आहार को कर सकते हैं। जैसे कि परिभाषा है, वह खाद्य जिसमें सभी आवश्यक अवयव उचित मात्रा में हो वह संतुलित आहार कहलाता है। ऊर्जा कार्य करने की इकाई है, शक्ति है, इसकी अभिव्यक्ति कैलोरी के रूप में की जाती है। शरीर द्वारा ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा का व्यय, ऊर्जा की आवश्यकता और कैलोरी के रूप में अभिव्यक्त किए जाते हैं। 1 ग्राम पानी की उष्णता 1 सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए जितनी गर्मी की आवश्यकता होती है उसे हम कैलोरी कहते हैं, है ना। फिर खाद्य पदार्थों से अलग अलग परिमाप और उष्णता प्राप्त होती है। हमें अलग अलग खाद्य पदार्थों से अलग अलग उष्णता प्राप्त होती है। मांस मटन या जिगर, इनसे हमें थोड़ा सा गर्मी होती है ना, अंडे से, और फल और ये सब चीजों से थोड़ा हमें मिनरल्स मिलते हैं, पोटेशियम, आयोडीन और बहुत सारे विटामिन सी जैसे। तो हमें
सारे जब तक पौष्टिक ही दे, उदाहरण दिया है कि एक ओंस घी में कितनी कैलोरी होती है, 256, कितनी होती है 256 कैलोरी होती है, कितने में एक अन एक ओंस घी में, एक ओंस घी में कितनी होती कैलोरी 256, और एक ओंस दूध द्वारा 16 कैलोरी, एक ओंस दाल द्वारा 100 कैलोरी प्राप्त होती। सबसे ज्यादा हमें काय से, घी से वसा भी प्राप्त होता है फैट, और कैलोरी भी ज्यादा प्राप्त होती है। वसा युक्त पदार्थों से हमेशा हमें अधिक कैलोरी प्राप्त होती है अन्य भोज्य पदार्थों की अपेक्षा। घी और ऑयली चीजों में ज्यादा कैलोरी होती है। काहे काहे में होती है, घी में और मक्खन, ये सब चीजें ऑयली चीजों में वस्तुओं में ज्यादा कैलोरी होती है। मानव शरीर की कैलोरी संबंधी आवश्यकता आयु काल जलवायु पर निर्भर करती है। संतुलित भोजन व्यक्ति की आवश्यकता पर निर्भर होते हैं। अधिक परिश्रम करने वालों के लिए अधिक कैलोरी, कम वालों को कम कैलोरी के भोजन। शीत ऋतु, अच्छा ये ऋतु के अनुसार ही भोजन होता है। गर्मी में हमें कम भूख लगती है जैसे, तो हम कम खाना खाते हैं। परिश्रम इन चार बातों पर निर्भर रहता है कि आवश्यकता कितनी है। बालकों की को प्रौढ़ों की अपेक्षा कुछ अधिक भोजन आता, क्योंकि बालक लोग दौड़ते भागते रहते हैं बार बार इधर से उधर, तो उनको अधिक कैलोरी की आवश्यकता, इसलिए उनको ज्यादा भोजन की आवश्यकता भी होती है। फिर क्योंकि उनके शरीर में नवीन तंतुओं का निर्माण होता है, सेल्स है ना, नए नए सेल्स बनते रहते, और फिर शरीर को प्रत्येक समय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे वह आराम ही क्यों ना कर रहा हो। वयस्क बालकों के भोजन में दूध की मात्रा अधिक होनी चाहिए, वृद्धावस्था में भोजन की मात्रा कम होना चाहिए। इस समय पाचन शक्ति कमजोर होती है इसलिए, और मनुष्य काम भी कम करता है वृद्धावस्था में, इसलिए उसको कम कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जल्दी डाइजेस्ट वाला भोजन करना चाहिए वृद्धावस्था में। जैसे बताया है कि पुरुषों की स्त्री की तुलना में अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। किनको? पुरुषों को। पुरुषों का भार स्त्री से ज्यादा भी होता है और हाइट में भी ज्यादा होते हैं, किंतु गर्भावस्था में स्त्री को अधिक भोजन की आवश्यकता भी पड़ती है। दूध पिलाने वाली माता को भी और साधारण स्त्री के भोजन में भी अंतर होता है। गर्मी में की अपेक्षा सर्दियों में भोजन की मात्रा बढ़ जाती है। हमको ठंड में ज्यादा भूख लगती है और गर्मी में कम लगती है। गर्मी में हम पानी ज्यादा पीते हैं और भोजन कम खाते हैं। फिर जैसे बताया है कि कैलोरी की आवश्यकता कैसे होती देखिएगा। हल्का काम करने वालों के लिए अलग कैलोरी होंगी, जैसे 2100 से 2200। साधारण जो 8 घंटे काम करते हैं उनको थोड़ी और ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता होगी, जैसे 2500 से 3000। और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने वाले जैसे मजदूर हुए, इधर से उधर लिख लेते हैं है ना, गिट्टियां ढोते हैं, बहुत सारा काम करते दिन भर 8 घंटे चलते फिरते वजन उठाते एकदम भागते दौड़ते, उनको कितना चाहिए कठिन परिश्रम हार्ड वर्क वालों को? 3000 से 3600। प्रत्येक व्यक्ति एक व्यक्ति को कार्य करने प्रतिदिन निम्नलिखित ऊर्जा की, जैसे सोते समय 1200 से 1500, आराम करते समय 1900 से 2000, हाथ से काम करने वाले 3000 से 3200, व्यायाम करने वालों को 3500 से 6000 कैलोरी, सामान्य होने वालों को 4000 से, दौड़ने वालों को सबसे ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये क्योंकि कठिन परिश्रम हार्ड वर्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये हार्ड वर्क। व्यक्ति को पूर्ण स्वस्थ जीवन व्यतीत करने